हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं डिस्कस करूंगी आपकी कुछ गलतियां जो आप रेगुलर स्किन केयर रूटीन में करते हो। नंबर वन मिस्टेक इज अप्लाइंग स्किन लाइटनिंग क्रीम्स। तो मैंने अपनी ओपीडी में बहुत कॉमनली ये देखा है कि लोग स्किन लाइटनिंग क्रीम्स यूज करते हैं, जैसे कि स्किन शाइन, स्किन लाइट, क्लोबेट जीएम। गाइज, ये सारी क्रीम्स आपके स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक हैं और इसमें स्टीरॉइड्स का कंटेंट होता है, जिसके वजह से स्किन तुरंत ही गोरापन दिखने लगता है स्किन में, बट लेटर ये आपके स्किन को और काला करती है और डैमेज करती है। तो लॉन्ग रन में इनका यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई स्किन लाइटनिंग क्रीम अपने रेगुलर रूटीन में लेके आना है तो उसमें होना चाहिए कोजिक एसिड, आब्यूटिन, वाइटमिन सी। ये सारे जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं ये आपके फेस के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं और आप इनको लॉन्ग रन में यूज़ कर सकते हो। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक सब लोग करते हैं वो ये होती है कि फिजिकल एक्सफोलिएशन करना, दैट इज स्क्रब यूज़ करना। तो बाहर के कोई भी स्क्रब्स जो आप यूज़ करते हो और बहुत हार्शली अपने फेस को स्क्रब करते हो, वो आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं करने वाला। इनफैक्ट वो आपके फेस को और डैमेज करता है। अगर आपको अपना फेस स्क्रब करना ही है तो केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ करिए एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। थर्ड कॉमन चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है अपनी प्रैक्टिस में, कि लोग सैलून की सजेशंस पे जाते हैं। अगर सैलून वालों ने कोई चीज़ रिकमेंड करी है सो दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इट और फेस डैमेज हो जाता है, तो वो हमारे पास आते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि अगर वहाँ से कोई रिकमेंडेशन आपको मिलती है तो प्लीज़ अपने जो भी प्रोडक्ट है उसके लेबल्स को चेक करें कि वो स्टीरॉइड फ्री हो, नॉन कोमेडोजेनिक हो, आपके स्किन के हिसाब से सूटेबल हो। अदरवाइज यू कैन गो टू अ डर्मेट ऑल्सो और उस प्रोडक्ट को आप चेक करा के यूज़ करें। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है वो ये है कि लोगों के अगर मेकअप में SPF है तो वो ये सोचते हैं कि दिस SPF इज इनफ फॉर माई स्किन एंड आई डोंट नीड सनस्क्रीन। सो लेट मी टेल यू गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सनस्क्रीन अलग से लगाना ही पड़ेगा। जो मेकअप में आपके SPF होता है दैट इज नॉट इनफ। सो अप्लाइंग सनस्क्रीन बिफोर यू स्टार्ट योर मेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ मेकअप से ही पहले नहीं, या फिर धूप में ही जाते टाइम नहीं, घर में भी सनस्क्रीन लगाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ अप्लाई योर सनस्क्रीन। दिस इज़ दी बेस्ट सिंपल एंड सिंगल इंग्रेडिएंट जो आपके फेस के लिए अच्छा काम करता है। सो अनदर थिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज लोग मॉइस्चराइजर नहीं लगाते जिनकी ऑयली स्किन है। उनको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट लेयर करने से या मॉइस्चराइजर लगाने से उनका और एक्ने आउटबर्स्ट होगा। बट लेट मी टेल यू गाइज, अब इतनी वाइड रेंज ऑफ मॉइस्चराइजर्स है और मॉइस्चराइजर हर किसी के स्किन टाइप के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं। सो अगर आप अपने स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर सही यूज कर रहे हो तो देन इट इज़ नेवर गोना ब्रेक यू आउट। अनदर कॉमन थिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई प्रैक्टिस इज कि लोग केराटिन की ट्रीटमेंट लेते हैं टू बिल्ड द केराटिन ऑफ देयर हेयर। और उनको ऐसा नोशन होता है कि दिस ट्रीटमेंट इज फॉर्मल्डिहाइड फ्री। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। जो केराटिन का ट्रीटमेंट होता है जो हम सैलून्स में लेते हैं उसमें इनफ केराटिन बिल्कुल नहीं होता टू प्रोवाइड टू योर हेयर। और फॉर्मल्डिहाइड फ्री ट्रीटमेंट में भी इनडायरेक्टली फॉर्मल्डिहाइड यूज होती है। सो इन नो वे इट इज़ गोना बेनिफिट यू, ये आपके बालों को हार्म ही करेगा। सो प्लीज़ इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करें। इफ़ एट ऑल यू वॉन्ट टू गेट इट डन फॉर द स्मूदिंग एंड स्ट्रेटनिंग पर्पसेस तो वंस इन अ ईयर यू कैन यूज इट, बट जनरली इट्स नॉट रिकमेंडेड। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने अपने प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस की है वो ये है कि लोग फेस वॉशेस को लेके काफ़ी कैजुअल हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी फेस वॉश हम यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ नॉट गोना डू एनी गुड और हार्म टू यू। सो लेट मी टेल यू ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेस वॉश का भी एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है एंड यू शुड यूज़ योर फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न और स्किन टाइप के हिसाब से, ताकि वो आपको बेनिफिट करे। Another thing which I have experienced in my practice is people are applying hair oil and leaving it overnight. So let me tell you all, it's completely wrong. You should not apply hair oil for the whole night.
नहाने के सिर्फ एक घंटे पहले आप अपना हेयर ऑयल अप्लाई करिए एंड यू कैन गो फॉर नॉर्मल कोकोनट ऑयल और जितना भी उसको बेनिफिट देना है आपको, विच इज़ बेसिक कंडीशनिंग, वो एक घंटे में दे देता है। तो रात भर उसको स्कैल्प पे लगाने का कोई मतलब नहीं है, सो यू कैन जस्ट अप्लाई इट 1 आवर बिफोर योर बाथ। So these are the few skincare mistakes you may be doing and I hope this video helps you so that you get to know the real scenario of these things aur aap in sabka rational use kar sako. So if you like my video please subscribe to my channel, share it with your friends and relatives and I'll be back very soon with my next video. Till then please take care of yourself and your skin.